नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव। इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 3 में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हैं पिंक सिटी यानी जयपुर में। 7 शहरों का लंबा पड़ाव पूरा करने के बाद आज हम हैं जयपुर में, जहां पर यहां के तमाम एंटरप्रेन्योर्स इस वक्त हमारे साथ हैं। जानने की कोशिश करेंगे इनकी सफलता के राज और साथ साथ आज की जो चर्चा का मुद्दा है, स्ट्रेंथनिंग एसएमईज कैपेबिलिटीज फॉर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। किस तरह से जो लगातार ग्लोबल सिनेरियो लगातार चेंज होते जा रहा है, उसमें जो नए चैलेंजेस हर दूसरे दिन हमें देखने को मिल रहे हैं, उससे किस तरह से पार पाया जा सकता है और किस तरह से एक अलग पहचान बनाकर बिजनेस में सफलता हासिल की जा सकती है, कुछ इन्हीं मुद्दों पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। जी, सबसे पहले तो मैं पहले पॉइंट पर आना चाहूँगा जो बढ़िया साहब ने उठाया है। एक्सचेंज रेट, करेंसी फ्लक्चुएशन का बहुत ज़बरदस्त एक असर पड़ता है। किस तरह, क्या क्या ऑप्शन है आज के दिन में मौजूद, विकल्प है जिसके वजह से कम से कम करेंसी फ्लक्चुएशन का जो प्रॉब्लम है, इससे काफ़ी हद तक अपने आप को सेफगार्ड किया जाए? देखिए, उसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि जो स्पेशली जो यूनिट्स हैं वो इम्पोर्ट इंटेंसिव हैं, तो हमको एक तो इम्पोर्ट करना पड़ता है और फिर उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी का एक विशेष सेक्टर है जिसके अंदर स्टोन्स को हम इम्पोर्ट करते हैं या इवन गोल्ड को इम्पोर्ट करते हैं। तो अब गोल्ड की बात करो तो पूरे दुनिया में जैसा हिंदुस्तान है कोई देश दुनिया में नहीं। 1.8 ट्रिलियन डॉलर का हमारा टोटल GDP है और हम गोल्ड इम्पोर्ट करते हैं। वी इंडिया इम्पोर्ट 1/3 ऑफ द गोल्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। Nobody imports that much of the gold. तो उसके लिए तो अमेरिका का 15 ट्रिलियन डॉलर का GDP है, which account for 24% of the whole world's GDP, लेकिन उनका गोल्ड इंपोर्ट केवल 200 मिलियन डॉलर का, 1/4 ऑफ इंडिया इंपोर्ट गोल्ड। इंडिया का गोल्ड जो एक मिनट के यहां रोकना चाहूंगा, क्योंकि आपने बात उठाई, तो मैं एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत में इतनी ज्यादा सोने की खपत है? क्या ये सिर्फ ज्वेलरी तक सीमित है, इसके अलावा भी हो? मेरे ख्याल से आपने तो जो है ना लोगों की दुखती रग को पकड़ लिया है। गोल्ड बाइंग इन इंडिया इज वेरी डिफरेंट देन बाइंग गोल्ड इन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं पूरी दुनिया में नहीं। गोल्ड का 80% ऑफ द मार्केट इंडिया के अंदर जो है वो वेडिंग का मार्केट है, कि शादी के अंदर हम गोल्ड गिफ्ट में देते हैं, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं। अच्छा, दूसरा आप देखिए, हमारे यहाँ शादी के गोल्ड की बाइंग जो है वो शादी के सीजन में होती है, वो सच है, लेकिन उससे बड़ा सच ही है कि गोल्ड की बाइंग इन इंडिया स्टार्ट विद बर्थ ऑफ ए डॉटर। जिस दिन से बेटी पैदा होती है हम सोना खरीदना शुरू करते हैं। अच्छा, आप पूरा देखिए कि जिसमें जिसको हम प्रोडक्ट पोजीशनिंग या ब्रांड पोजीशनिंग कहते हैं, उसका एक और तरीका ये है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर डायमंड कोई गिफ्ट देते हैं तो यू नो फॉरएवर और इटर्निटी और यू नो सिंबल ऑफ लव। हिंदुस्तान के अंदर जो है वो गोल्ड जो है वो या आप तो अपनी डॉटर को देते हैं या डॉटर इन लॉ को देते हैं। सो इट्स अ सिंबल ऑफ पेरेंटल लव रादर देन सिंबल ऑफ ए रोमांटिक लव एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। अच्छा, फिर अगर हस्बैंड कभी अपनी बीबी को गोल्ड दे भी देता है तो इट इज अंडर द टेसिट अंडरस्टैंडिंग, कहीं ना कहीं ये रहता है भाई सिक्योरिटी में सोना काम आएगा, खरीद के हम दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर सिक्योरिटी में काम ना आए तो बेटी की शादी हो तो दे देना, और बेटी की शादी में बच जाए तो बेटी की शादी हो तो दे देना। सो इट इज डॉटर और डॉटर इन लॉ। गर्लफ्रेंड को कोई गोल्ड गिफ्ट देता हो ऐसा बहुत कम होता है हिंदुस्तान में, अनलाइक इन अमेरिका। सो अच्छा, दूसरा एक और गोल्ड का कारण है जो आपने मेरे ख्याल से जो गोल्ड की इतनी खपत है कि आप देखिए पूरे दुनिया में जितना गोल्ड आज तक खोजा गया उसका 1/5 ऑफ द गोल्ड इज इन इंडिया। मतलब बड़ी अजीब बात है, हिंदुस्तान के अंदर आप देखिए कि 71 ट्रिलियन डॉलर की वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा 2 ट्रिलियन का है, लेकिन गोल्ड हमारे पास 1/5 है। दूसरा एक और गोल्ड के अंदर, नाउ बैंक के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का अमेरिका कीप 75% ऑफ द गोल्ड, इंडिया कीप्स ओनली 10% ऑफ द गोल्ड। हिंदुस्तान के अंदर जो सोना है वो प्राइवेट डिपॉजिटरीज में ज्यादा है, सरकार की डिपॉजिट से ज्यादा। मिसेज अग्रवाल तो बैठी हुई हैं, वो बताएंगी आपको कि ये जितना बैंकिंग सेक्टर है, इनकी जितनी स्कीम है, ये 80% ऑफ द लोगों की रीच के बाहर है फॉर्मल सेक्टर। एंड गोल्ड इज समथिंग विच वर्क्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर इन द रूरल एरियाज। तो सोने की कहानी और हिंदुस्तान की कहानी तो मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसके अंदर बड़े बड़े यू नो द मल्टीनेशनल्स विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट इनटू दिस मार्केट। हिंदुस्तान के अंदर अगर आप गोल्ड का बात करो तो यहां पे 3 लाख ज्वेलर हैं, विच इज मोर देन 7 times देन ज्वेलर्स इन अमेरिका एंड 6 times ज्वेलर्स इन चाइना। पूरी दुनिया में कहीं नहीं, छोटे मार्केट। काफी इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई।